ठीक है कार्तिक, आज तुम्हें मैं ऑफिस से धक्के मार के निकाल दूंगा, समझे? तुम अपनी औकात भूल गए हो। मैं तुम्हें तुम्हारी परेशानी देखकर तुम्हें नौकरी दी थी और तुम यहाँ ये सब कुछ कर रहे हो। सर ऐसा क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? सर क्या किया इसने, फाइल तो टाइम पे कंप्लीट करता है, इससे कोई दूसरी गलती हो गई क्या? इसने गलती नहीं की, अगर गलती किया होता तो मैं कभी का माफ कर देता, इसने मेरे भरोसे को तोड़ा है। सर क्या, कैसा भरोसा सर, क्या किया इसने? हाँ सर मैंने किया है वो तो बताइए। इतना बड़ा विश्वासघात करके और अभी मासूम बन रहे हो, अनजान होके बोलते हो कि मैंने क्या किया है। सर आप बता दो ना इसने किया क्या है, आधी अधूरा बात करके आप हमें भी कंफ्यूज कर देते हो, हम सबको भी तो पता होना चाहिए। तो सुनो, इसने चोरी की है, चोरी। क्या क्या क्या, क्या? सर ये तो अभी बच्चा है और ये बहुत अच्छा लड़का है, ये चोरी कर ही नहीं सकता। अभी तुम मुझे बताओगे ओम कैसा है, और कार्तिक तुम कल केलाइन से आए पैसे में से कितना चोरी किया है? सर मैंने कोई चोरी नहीं की है, वो तो सर कल मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, इसलिए सर मैंने उसमें बस 1,000 रुपये लिए थे और आप कल ऑफिस नहीं आए थे इसलिए मैं आपको बता नहीं पाया। अरे कोई चोर बोलता है क्या मैं चोर हूँ? अगर मैं ऑफिस नहीं आया था तो तुम मुझे फोन करके बता नहीं सकते थे? सर मेरे फोन का रिचार्ज खत्म था इसलिए मैं आपको बता नहीं पाया। इस बार तो तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगले बार गलती नहीं होनी चाहिए। जान यार कार्तिक, मैं भी बहुत मजबूरी में काम कर रहा हूँ, मैं बहन की शादी के कर्ज उतारने के लिए, वरना मैं इस नौकरी को कब का लात मार दिया होता। चुप हो जा यार, बॉस ऐसे ही हैं, अभी हम मजबूर नहीं होते तो हम भी ये जॉब छोड़ देते कब, क्योंकि बॉस ने भी मेरे साथ बुरा बर्ताव किया है। यार हम सबका नसीब ही खराब है, इतना मेहनत और ईमानदारी के बाद भी ये सीला मिला है हम सबको। यार कब तक हम ये सब झेलते रहेंगे, बहुत हो गया बॉस का ड्रामा, मैं तो कहता हूँ अभी काम छोड़ के चल जाते हैं, अभी और नहीं झेला जाएगा। चुप हो जा भाई, अब हम कर भी क्या सकते हैं, हम सब पे परिवार की जिम्मेदारियां हैं इसलिए हमें झेलना पड़ रहा है, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ मान लो अगर हम काम छोड़ के चले भी गए तो हम क्या करेंगे, और इतना जल्दी हमें काम कहाँ मिलेगा, हम सबको पैसे की भी जरूरत है ना। काम का क्या है यार, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, लेकिन ये सब और नहीं चला जाएगा। रुको देखो यार, अब हम सब की कंडीशन बहुत खराब चल रहा है, अगर सर फिर ऐसा कुछ किए तो हम सब काम छोड़ देंगे। ठीक है फिर कुछ दिन देखते हैं। ठीक है फिर सब अपना अपना काम करो। आने दो मैं इनको दिखाता हूँ। आओ आओ बैठो, मैं तुम सबका इंतजार कर रहा था। ये बताओ कि टाइम क्या हुआ है? सर 10:05 हो रहे। ये कंपनी क्या तुम्हारे बाप की है? जब मन करे तभी आओ और जब मन करे तभी जाओ।
कंपनी का टाइम 10 बजे का है और तुम लोग लेट क्यों? सर हमारी बस खराब हो गई थी इसलिए हम सब लेट हो गए। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है हमारे नहीं। सैलरी तो पूरी लेते हो ना, फिर टाइम में लेट क्यों? सर हम रोज लेट तो नहीं आते, आप हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? हमारी कोई इज्जत है या नहीं है? अभी मैं बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ, तुम सब लोग मुझे मजबूर मत करो बुरा होने के लिए। मैं जा रहा हूँ अपनी कैबिन में, अपनी अपनी फाइल कंप्लीट करके कैबिन में लेके आओ। बहुत सुन लिया बॉस का ड्रामा, अब और नहीं सुन सकता। तुम में से जिसको भी काम करना है करो, मैं तो ये जॉब छोड़ रहा हूँ। मैं भी ये काम नहीं करूंगा क्योंकि ये बॉस नहीं जानवर है, जानवर। हाँ मैंने भी काम की बात कर ली है। हाँ वहाँ पैसे बहुत कम है लेकिन इज्जत बहुत ज्यादा है। हाँ यार मैं भी ये जॉब छोड़ रहा हूँ क्योंकि पानी अभी सर से ऊपर जा रहे हैं। बॉस तो ऐसे बात करे जैसे कि हमें फ्री के सैलरी दे रहे हैं। हाँ यार चलो मैं भी ये जॉब छोड़ रही हूँ, जहाँ हमारी इज्जत ही ना हो उधर काम करके क्या फायदा। अगर जॉब छोड़ना ही है तो बॉस को सबक सिखा के ही जॉब छोड़ेंगे। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, बॉस को कैसे सबक सिखा सकते हैं? हाँ अगर ये पॉसिबल है तो हम सर को नहीं छोड़ेंगे। हाँ यार क्या प्लान है हमें भी बताओ। तो सुनो हम सबको अभी काम छोड़ना होगा, वो भी बिना बताए, जिससे हमारा जितना भी प्रोजेक्ट है टाइम पे पूरा नहीं होगा। तो कस्टमर सारे डील खुद ही कैंसिल कर देंगे, तब जाके बॉस को हमारी कीमत समझ आएगी। हाँ बहुत अच्छा प्लान है, एक काम करो तुम सब जाओ, मैं बॉस को एक झटका देके आती हूँ। हाँ चलो फिर हम सब चलते हैं। हाँ चलो आज हमारे बॉस को समझ आएगा। आज तो ना बॉस की सारी अकड़ निकल जाएगी। चलो फिर चलते, देर किस बात। अरे ये सब लोग कहाँ मर गए, अब तक फाइल लेके नहीं आए, जाके देखता हूँ मैं। काव्या ये काम तो लोग कहाँ मर गए, कब से मैं कैबिन में फाइल का इंतजार कर रहा हूँ, कस्टमर के फोन के ऊपर फोन आ रहे हैं। सर वो सब मरे नहीं बल्कि सब अपने अपने घर गए। क्या बात कर रही हो, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ सर, आपके टॉर्चर की वजह से सब जॉब छोड़ के चले गए। और हाँ सर मैं भी जा रही हूँ। हेलो सर जी थोड़ा टाइम दीजिए, अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या क्या बात कर रहे हो, अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ? देखो मुझे अगर आज प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं मिला तो मैं तुमसे सारी डील कैंसिल कर दूंगा। हेलो काव्या तुम सबको ऑफिस में लेके आओ, जरूरी बात करनी है, प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ सर बताइए क्या बात करनी। मेरी गलती की वजह से मेरी सारी डील कैंसिल हो गई है और मेरी कंपनी का भारी नुकसान हुआ है। आज मुझे पता चला मैं और मेरी कंपनी आपके बिना अधूरी है, प्लीज आप मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आप सबको दिक्कत झेलनी पड़ी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ सर हम भी यही चाहते हैं कि हम सब मिलके काम करें। कोई बात नहीं सर, हम सब फिर नए अंदाज में काम करेंगे और अपनी कंपनी को उसी लेवल पे वापस लेके आएंगे। और हाँ सर अगली बार से मैं आपको बिना बताए पैसे नहीं लूंगा। ठीक है सर हम फिर से अपने काम पर लग जाएंगे।